मैं एडवोकेट मुकुंद खेरे ऑलरेडी एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट लॉ का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और इस बुद्धिस्ट लॉ का जो विषय है ये विषय को लेकर हम 2016 से हम आंदोलन कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट लॉ जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में जो हमें धम्म दिया है उस धम्म को कानून की मान्यता मिलाना प्राप्त करना ये हमारा सही उसमें पहला जो हमारा मकसद है कि हमको कानून की मान्यता होना है कि बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है बावीस जो उसमें प्रतिज्ञा दी है वो प्रतिज्ञा को आज के तारीख में कानून की मान्यता नहीं है। और इसलिए जो आज जो बोला जाता है कि भगवान जो बुद्ध है वो विष्णु भगवान के अवतार है बाबा साहब ने ये जो बात है ये बात बाबा साहब ने इस बात को नकार डाला है कि भगवान बुद्ध कोई भगवान के अवतार नहीं हो सकते है कि भगवान बुद्ध सुपर साइंटिस्ट थे और इसलिए बाबा साहब की जो बॉयज प्रतिज्ञा थी जो 22 जो ओस थे एडमिनिस्टर बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वर्शन हिस्टोरिक कन्वर्शन वो जो बाबा साहब की जो बॉयज प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा को लेकर हमने बुद्धिस्ट लॉ बनाया है। और ये बुद्धिस्ट लॉ का जो प्रपोज बिल है हमने 24 जुलाई को जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर आप लोगों को मालूम है तो 24 जुलाई का इस आंदोलन में राजेंद्र पाल जी साथ में थे और हमने बिल सबमिट किया है और बिल सबमिट होने के बाद सरकार से हमें 31 जुलाई के पत्र मिला उसमें सरकार ने बताया कि लॉ मिनिस्टर बताया कि हमने ये आपका जो मसला है ये बुद्धिस्ट लॉ का मसला हमने लॉ कमीशन के पास हमने भेजा है। हम ये चाहते सरकार से कि लॉ कमीशन को आज भेजने के बाद यानी 2-3 महीने का समय हो चुका है और इसलिए लॉ कमीशन से जल्दी उसका एग्जामिनेशन करके वो बिल को यानी कानून की उसको यानी प्रारूप मिलना चाहिए और इसलिए 11 जुलाई का जो 11 फरवरी का जो महामोर्चा होने वाला है इस महामोर्चा में जो हजारों लोग रहेंगे हजारों बौद्ध लोग रहेंगे यहाँ हमारे लखनऊ के दयासागर जी बौद्ध है हमारे दिल्ली प्रदेश के सुनील कुमार बौद्ध है बाद में हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के आर एस बौद्ध है और ये हमारे सब साथी है हमारे विजय कुमार बौद्ध है महिपाल जी बौद्ध है हमारे अमरवती जी है जो हमारे द्वारका से है। तो हम ये आपके माध्यम से समाज को हम बताना चाहते हैं कि आज 1955 का जो हिंदू लॉ था वो हिंदू लॉ में से सिख समाज जैन समाज लिंगायत समाज और बौद्ध ये चार धर्म को लागू था और उसमें से हम आज देखते हैं कि ये चार जो धर्म 1955 में जो लॉ में इंक्लूड किए गए उसमें से आज के तारीख में 3 धर्म वहां से बाहर निकल चुके यानी 1955 के हिंदू लॉ में से 3 धर्म बाहर निकल चुके हैं सिर्फ बौद्ध धर्म जो है वो 1955 में वो बंद है। तो इसलिए हमको आजादी होना है कि बाबा साहब ने जो धम्म दिया है वो धम्म कोई धर्म नहीं है वो एक फिलोसफी है एक विचारधारा है वो जीने का तत्वज्ञान है अगर उसकी अगर कानून की मान्यता नहीं रहेंगी तो हम बाबा साहब का जो धार्मिक जो मिशन है वो हम आगे नहीं बढ़ सकते और इसलिए हम सरकार से बार बार हम बोल रहे हैं कि जो बाबा साहब के संविधान में जो आर्टिकल 346 है उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो क्लॉज 5 है इसमें स्पष्ट यानी स्टेट को या सेंट्रल को यानी पर्सनल लॉ करने का पूरा अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को पूरा अधिकार मिल चुका है पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक द पर्सनल लॉ फॉर एवरी रिलीजन इतना कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बाद भी अगर सरकार नहीं बना रही है इसका मतलब हम सरकार ये हमारी बौद्धों के खिलाफ जा रही है कि बौद्धों से भेदाभेद कर रही है ऐसा हम सरकार पर आरोप लगाते हैं और सरकार को ये बता रहे हैं ये जो मोर्चा होने जा रहा है इस मोर्चा में हमारे नेता जो अपना राजेंद्र पाल जी साथ में है बाद में हमने जैसे केजरीवाल जी है उनसे भी हम मिले हैं साहब के माध्यम से वो भी मोर्चा में आने वाले हैं बाद में जो से हम देखते हैं हमारे जो जिग्नेश मेवानी उनका भी हमको कांटेक्ट हुआ वो भी सोशल पे बहुत काम कर रहे हैं उनका भी हमको ये मिला है और ऐसे जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं जो सामाजिक पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट चलाते हैं उनका भी इसमें सपोर्ट रहने वाला है मुख्य बोलते हमारे राजेंद्र पाल जी है बाद में केजरीवाल जी है और ये इतना बड़ा विशाल मोर्चा रहने वाला है 10,000 के तो ऊपर लोग रहने वाले हैं बहुत बड़ी भीड़ रहने वाली है और हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है सरकार अभी सरकार ने ये असेंबली में ये जो असेंबली चल रही है सेशन चल रहा है ये सेशन में ये मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए और इसलिए सरकार को हमको ये जो बिल है बिल तो सबमिट हो चुका है लेकिन बिल का कानून जब बनेगा तो ही यानी हमने तो ये सरकार को कानून बनाने के लिए तो मांग नहीं की है हमने खुद का कानून बनाया है तो हम अगर बोलते थे हमारा कानून बनाओ तो फिर उसके लिए तो बहुत टाइम लगता था इसलिए हमने खुद का कानून हमने बनाया है उसमें पर्सनल लॉ है और इसलिए ये जो मुद्दा लेके हमको आगे चलना है आपको हम सरकार चाहते हैं कि ये जो विषय है पूरे आपके मीडिया के माध्यम से हमारे समाज तक ये मुद्दा जाना चाहिए और 11 तारीख का आंदोलन के लिए आपसे हमको सहकार्य होना आप वहाँ सब लोग आइए
और ये आंदोलन को समाज के सामने, देश सरकार के सामने रखने की कृपा सबसे ज्यादा।